नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दुबई इस्लामिक बैंक में जो पैसा है कैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी अभी पैसा जो डिपॉजिट करवा के आया हूँ तो मैंने उसकी सारी वीडियो जो फुल डिटेल के साथ बना ली, क्योंकि मुझे भी पहले पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं थी कैसे पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, तो मैंने इसलिए एक वीडियो बना ली ताकि उनको पता चल जाए कि पैसा कैसे आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। दोस्तों, क्या है कि पैसा डिपॉजिट करवाना दुबई इस्लामिक बैंक में बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है पैसा कैसे डिपॉजिट करवाना है। मुझे भी नहीं पता था, तो मैं भी किसी से पूछ के जो पैसा डिपॉजिट करवाए कैसे कैसे डिपॉजिट करवाना, कैसे कौन से स्टेप है, क्योंकि मैंने पैसा जो डिपॉजिट करवाया वो एटीएम जो मशीन है उसके थ्रू करवाया, तो उसमें क्या स्टेप है, कैसे आपने डिपॉजिट करवाना है, आपको मैं शुरू से लेकर लास्ट तक जो वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए। दोस्तों, जो दुबई इस्लामिक बैंक में पैसा मैंने जो डिपॉजिट करवाया है वो मैं एटीएम के थ्रू कराया, जो एटीएम मशीन होती है जिसमें पैसा भी डिपॉजिट हो जाता है, तो मैंने उससे ही पैसा जो डिपॉजिट करवाया। तो उसमें स्टेप कौन से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको चाहिए क्या। दोस्तों, आपको उसमें सबसे पहले तो आपके पास एमरस आईडी होनी चाहिए, अगर आप बैंक अकाउंट के साथ डिपॉजिट करवा रहे हैं। अगर आप एटीएम से करवाना चाहते हैं तो आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, क्योंकि एटीएम कार्ड है जो वहां पर मशीन में इंसर्ट होगा। तो दोस्तों, उसमें पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में आपने कैश डिपॉजिट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको लेके जाके आपकी जो लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज चूज करने के बाद आपने एमरस आईडी इंसर्ट कर देनी है मशीन के अंदर। और उसके बाद दोस्तों, आपने जो जितना पैसा होगा आपको ग्रीन लाइट आएगी, आपने वहां पर अपना पैसा रख देना और पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। और पैसा डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आप और करवा सकते हैं, अगर नहीं करवाना चाहते तो आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा और आप एक रिसीप्ट ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल की लाइव स्क्रीन पे ले चलता हूँ। दोस्तों, जैसे मैं एटीएम मशीन पर पहुंचता हूं तो मैं कैंसिल करके जो सामने आ रहा है स्क्रीन पे कैश डिपॉजिट, इस पे क्लिक करता हूं। तो अगर नहीं आ रहा तो आप एक बार कैंसिल करेंगे तो फिर दोबारा आ जाएगा। मैं कैश डिपॉजिट पर क्लिक करूँगा, मैं लैंग्वेज चूज करूँगा, लैंग्वेज आपको कौन सी चाहिए, आपको अरेबिक चाहिए या इंग्लिश चाहिए। उसके बाद ऑप्शन आता है कि आप एटीएम कार्ड के साथ जो डिपॉजिट करवाना चाहते हैं या फिर अपना बैंक अकाउंट है जो नंबर डालना चाहते हैं, तो मैं बैंक अकाउंट का नंबर डालूंगा। अगर आप एटीएम के साथ करना चाहते हो तो एटीएम के साथ भी कर सकते हैं। तो जो भी मेरा बैंक अकाउंट का नंबर है मैं वो फिल करूँगा यहाँ पर और प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ग्रीन आ गया है प्रोसीड, मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं कंफर्म करूँगा ये अकाउंट मेरा है या नहीं, क्योंकि मेरा नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि हमने एमरस आईडी डालनी थी, एमरस आईडी जब हमने डाली तो हमने उल्टी डाल दी, जो दूसरी साइड की तरफ डालनी थी, तो उसमें क्या हुआ हमारा टाइम था जो ज़्यादा हो गया, तो हमें दोबारा फिर वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ा। तो देखिए, हमें एमरस आईडी हमने जो उल्टी डाल दी थी तो उसकी वजह से हमें दोबारा फिर स्टार्टिंग से प्रोसेस फॉलो करना पड़ा, वही कैश डिपॉजिट और उसके बाद अपनी जो है लैंग्वेज चूज़ की हमने। लैंग्वेज चूज़ करने के बाद जो कैश हमने बैंक अकाउंट के साथ, बैंक अकाउंट नंबर के साथ डिपॉजिट करवाना था, वही फिर अपने हमने दोबारा नंबर जो है प्रेस किए अपने बैंक अकाउंट के, उसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया, तो जैसे प्रोसीड पे क्लिक किया हमने चेक किया कि अकाउंट हमारा है या नहीं, तो हमने प्रोसीड पे क्लिक किया। अभी अब के टाइम हमने जो एमरस आईडी थी वो सही तरीके से डाल दी थी। और उसके बाद क्या हुआ, हमने उन्होंने बोला कि आप अपनी एमरस आईडी है जो निकाल लो, स्क्रीन पे आ गया, तो हमने अपनी एमरस आईडी को जो है निकाल लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एमरस आईडी निकालने के बाद जहाँ पर ग्रीन लाइट आई, जहाँ पर ग्रीन लाइट आ रही थी वहाँ पर हमने अपने पैसे जो रख दिए, आप 500 रखना चाहते हैं, 1000 जितने भी रखना चाहते हैं यहाँ पर रख देंगे। तो हमने ऑलरेडी इसमें 500 दराम है जो डिपॉजिट करवा दिया है, तो उसमें जो है अभी दिखाई देगा कि आपका 500 दराम जो डिपॉजिट हो गया है, आपने 500 करवाना है या और करवाना है वो पूछेंगे, हमने बोल क्लिक कर देना प्रोसीड पे। तो ये हमारा 500 दराम है जो, ये देखिए, आपने यहाँ पर जाके जो क्लिक कर देना और उसमें जो आपका 500 दराम है जो डिपॉजिट हो गया, और हमें एक जो है स्लिप मिल जाएगी। तो अभी स्लिप आ रही है, टाइम लगेगा। तो ये देखिए हमारी स्लिप आ गई है, तो जैसे अब हमने अपनी स्लिप पे जो निकाल लेनी है। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।